शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेटी जैसी हो ये हमने बहुत बार बोला है, अब थोड़ा अधिकार भी देना चाहते हैं। माता रानी के चरणों में तुम्हारे लिए हमने कुछ रखा है। आशीर्वाद दूंगा कि माँ ने जिस लड़की के लिए कंगन बनवाए उसे हम पहना सके। अब कहना वो कंगन देगी जो उसे नहीं लेने चाहिए थे, और फिर उन्हीं कंगनों की वजह से गौरव और गहना हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। गहना ने भी तो सोचा होगा ना कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो ये सारा पैसा प्रॉपर्टी कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे पास, फिर गहना तुम्हारे पास क्या करेगी? इसे देखा जाए तो दिमाग लगाया गहना ने, है ना? She's a smart girl. नहीं, हमारे गहना ऐसे नहीं। हमारी गहना? वैसे अब तुम्हारी गहना तुम्हारी कहाँ रही है? उसने उल्टे फेरे लेके तुम्हारे साथ सारा रिश्ता खत्म कर दिया, और अब ये कंगन देख के देखो कैसे फिसल गई। अब इतने एक्सपेंसिव कंगन मिलेंगे तो शादी तो करेगी ना वो, राइट? सोचने वाली बात है गौरव। वैसे वंश, तुमने गहना से कहा कि तुम उसे पसंद करते हो? वो नहीं, हमने बात करने की कोशिश की लेकिन वहां आसपास इतने सारे लोग थे कि। तुमने ठीक किया, वैसे हम तुम्हारे लिए और गहना के लिए बहुत खुश हैं, लेकिन तुम तो जानते ही होंगे ना कि गहना पटना क्यों आई थी। नहीं, दरअसल वो उसके पति को ढूंढते हुए यहाँ आई थी। बेचारी, बचपन में ही शादी हो गई थी उसकी। जी, आप ये सब क्या बोल रहे हैं? हमने कभी ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, हमारे मन में ऐसा ख्याल भी नहीं आया है कभी। लेकिन हमें लगता है कि उसने उसे धोखा दिया है, छोड़कर भाग गया है, और जब से वो यहाँ पे है कोई संपर्क नहीं। हम तो बस इतना चाहते हैं कि गहना खुश रहे, और ये खुशी सिर्फ तुम ही दे सकते हो उसे वंश। सब समझ में आ गया कि पहले उसने हमारा प्यार क्यों ठुकराया था, क्यों हमेशा वो दुविधा में रहती थी। देखिए ना, माता रानी का चमत्कार ही है कि वो कंगन उसे कितनी अच्छी तरीके से फिट आ गए, और हमारी माँ ने भी यही कहा था कि वो मान जाएगी। सुधा जी, हम ये तो समझ गए कि गहना हमारे लिए बनी है, और अब हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर गहना को हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो हमें फर्क नहीं पड़ता उसके पास में उसके संग क्या हुआ था। लेकिन इस बार हम उसे अपनी दिल की बात एक बार और कहेंगे, उसे कहेंगे कि हम क्या फील करते हैं उसके बारे में। जल्द से जल्द अपनी दिल की बात गहना को बता दो, ताकि हम जल्दी से शादी की तारीख पक्की कर सके। क्या बात है मम्मी, आपने तो मुझे लाइफ में एक अलग ही मजा दे दिया, मेरा काम और आसान कर दिया। अब गहना और गौरव को अलग होने से कोई रोक ही नहीं सकता। पापा ने फिर से उसी गौरव पे भरोसा किया, हम लोगों पे नहीं। वो नौकर कुछ ज्यादा ही सर चढ़कर बोल रहे हैं। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने हमें ऑर्डर दिया, कहता है कि वंश को देख लो, उसके कपड़े गंदे हो गए। बस यही औकात बच गई हमारे इस घर में। इसीलिए कह रहे हैं, इससे पहले कि पानी सर से ऊपर चला जाए हमें कुछ करना ही होगा। मैंने सोच लिया है उस गौरव को रास्ते से कैसे हटाना है। आज ही मुझे एक पैकेट मिल जाना चाहिए, आज शाम तक घर पे पहुंचा देना। लेकिन तुम करना क्या चाहते हो? जो जहर उस गौरव ने हमारी जिंदगी में घोला है, उसी जहर से अब उसे मारने का टाइम आ गया। हे माता रानी, हम भवर में खड़े फर्ज भी अदा करने, क्योंकि हमारे पिता हमें हमारा कोई भी हक नहीं दे सकते, क्योंकि वो मजबूर है। वो हमें अपनी बेटी तो मान सकते हैं, लेकिन कह नहीं पाएंगे आज अनजाने में ही से। लेकिन बड़ी मेम साहब ने अपने अपने ये कंगन देकर हमें हमें इस परिवार का हिस्सा बना लिया है।
माता रानी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कम से कम एक छोटी सी खुशी आपने आज हमें दी। आपका इसलिए भी धन्यवाद कि आपने हमें इतनी अच्छी मेम साहब दी, हमसे माँ जैसा प्यार करती है। गौरव, ये सब क्या कर रहे हो? ये कैसा व्यवहार है? यही चाहिए ना तुम्हें? यही है ना तुम्हारा सपना? ये लो पैसा, ये उठाओ ना, उठाओ पैसे। गौरव, हमने सपने में भी नहीं सोचा था कहना कि तुम इतना बदल जाओगी, सब कुछ भूल जाओगी। हमें नहीं पता था कि इस शहर तुम्हें इतना बदल देगा। अब हमें पता चला कि तुम ये घर छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी, कि तुम्हें उल्टे फेरे पड़ने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ा था। गौरव, तुम ये क्या बात कर रहे हो? मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। छोड़ो हमें, छोड़ो गौरव। ये वंश के पैसे ने तुम्हें अंधा बना दिया है। कल जिसका प्रपोजल तुमने ठुकरा दिया था, आज उसके महंगे कंगनों ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। तुम्हें उसके अंदर अपना भविष्य और पैसे सब कुछ दिखाई दे रहे। तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें वो बहुत बड़ा डिजाइनर बना देगा और हमें तो कुछ नहीं है। इसलिए तुमने हमें छोड़कर उसका साथ चुन लिया। ये वंश जी के कंगन, हमें नहीं पता था। ये हमें तो यही मालूम था कि ये बड़ी मैम साहब के कंगन है। उसका प्रपोजल स्वीकारा, उसके कंगन पहने हैं और तुम्हें ये भी नहीं पता कि किसके कंगन है? गौरव, तुम्हें क्या लगता है? तुम बहुत चालाक हो, तुम चालाक होगी, लेकिन हम बेवकूफ नहीं है। गौरव, हम ही गलत थे जो तुम्हारा असली चेहरा नहीं देख पाए। पैसे की भूखी हो तुम गहना, तो जाओ, जाकर शादी कर लो उससे। तुम्हें वैसे भी किसी और की कोई परवाह नहीं है गहना। आज बोल ही दूंगा, लेकिन हम कहना वो हम आपसे एक नहीं, हाँ वो जो कंगन थे ना, वो कंगन कल जिसका प्रपोजल तुमने ठुकरा दिया था, आज उसके महंगे कंगनों ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। पैसे की भूखी हो तुम कहना, तो जाकर शादी कर लो उससे। गहना, वो हम आपसे कहना चाहते थे कि के पीछे भागने वाली लड़की नहीं है। आपको क्या लगा आप ये महंगे कंगन हमें देकर हमें खरीद लेंगे? एक बार आपसे कहा तो आपके समझ में नहीं आया? हम आपसे प्यार नहीं करते और शादी भी कभी नहीं कर सकते। आपके आगे दोस्ती का हाथ क्या बढ़ाया हमने? आप तो गलत फहमियां पालने लग गए। कर कैसे सकते हैं ये सब? आपने बड़ी मेम साहब के कंगन की जगह अपने कंगन रख दिए और आपने ये सोच लिया कि आप हमें शादी के लिए मना लेंगे। आप
हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे थे? हमने आपको पहले भी हाँ नहीं कहा था, आज भी हाँ नहीं कह रहे और आगे भी कभी हाँ नहीं कहेंगे शादी के लिए। ये बात आप जितना जल्दी समझ जाए ना वंश जी, आपके लिए बेहतर होगा। गहना, कंगन के दम पर तुम गहना का प्यार खरीदना चाहते थे ना? उसका प्यार इतना सस्ता नहीं है। अब तुम्हें समझ में आया होगा कि गहना को तुमसे कोई लगाव नहीं है, इसलिए आज के बाद गहना से दूर रहना, वरना इस बार नहीं का मतलब अच्छे से समझा देंगे तुम्हें। आप जानती नहीं है कि आपको पाने के लिए हम किस हद तक जा सकते हैं। अब तक आपने सिर्फ हमारा प्यार देखा है, लेकिन अब हमारा जुनून देखोगी। अब देखना हम क्या क्या करते हैं। ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? हमें किनारा तो दिखाई देता है, लेकिन हम जैसे ही उसे छूने जाते हैं तो वो हमसे दूर चला जाता है। जब भी हमें कोई रिश्ते पर भरोसा होने लगता है, वो रिश्ता हमें पूरी तरह से तोड़कर किसी और ही मोड़ पर मुड़ जाता है। कि वो महादेव, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि वंश जी इस तरह से हमारा विश्वास तोड़ेंगे। और गौरव, वो इस तरह से गलत फहमी का शिकार कैसे बन जाएगा? हम पर से उसका भरोसा ऐसे कैसे टूट जाएगा कि वो हम पैसों के पीछे नहीं है और हम पैसों को कोई अहमियत भी नहीं देते? ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें माफ कर दो कहना, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अपना होश खो बैठे थे, हमें नहीं पता था हम क्या बोले जा रहे। प्लीज माफ कर दो हमें। पैसे हमारे मुंह पर फेंके, तुम्हारे मन में जो भी आया तुमने बस बोल दिया हमें, और हम चुपचाप सहते रहेंगे। बस कर, यहाँ तक कि तुम हमारा पक्ष भी ना सुनो। पैसों के लालची है हम तो ठीक है, तुमने इतने से पैसों में हमें जीतने की सोच भी कैसे ली? अरे, कहने का मतलब वो नहीं था गहना। लो अपने पैसे। मैं माफ कर दो खैर, हम अपना होश खो बैठे थे, हमें नहीं पता था हम क्या बोल रहे। प्लीज हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। गलती हो गई तुमसे गौरव, ठीक है, ये गलती है ना तुम्हारी, कोई बात नहीं। तो हमें ये गलती नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें ये गलती हमारी जिंदगी में। चलो बस हो गया गौरव। हमारी बात सुनो। नहीं सुननी तुम्हारी बात। तुमने हमारे साथ उल्टे फेरे लिए, तब भी हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा। तुमने उर्वशी मैम सबसे शादी की, तब भी हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा। हमने हमें धोखा दिया, तब भी हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा गौरव। लेकिन बस अब हम और नहीं सहेंगे गौरव,
तुम हमारे चरित्र पर लाछन लगाओ ये हमें बर्दाश्त नहीं है गौरव। कहा था तुमसे गौरव, कहा था तुमसे कि ये बात हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये पैसे लो, ये मर्द होने का घमंड लो, अपनी गलत फहमी लो और चले जाओ यहाँ से। क्या ना हमारी नहीं देखना है हमें तुम्हारा चेहरा, निकल जाओ यहाँ से गौरव। देखिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हम कहाँ कह रहे हैं कि हम आपका पैसा नहीं देंगे, हम केवल आपसे समय मांग रहे हैं। हम आपका सारा का सारा पैसा वापस कर देंगे। हाँ दोगे पैसे वापस, लेकिन टाइम बहुत कम है, 24 घंटे का टाइम है तुम्हारे पास, वरना हम किसी को भेज के तुम्हारे घर की कीमत पता करते हैं और नीलामी करवाते हैं। अरे सुनिए हम क्या कह रहे, हेलो हेलो सबके सब पीछे हट गए, बुरे वक्त में हमने सबका साथ दिया, आज हमारे साथ कोई नहीं खड़ा है, क्या करें अब? 24 घंटे में 5 करोड़ रुपए कहां से लाए अब? ले लीजिए जितने पैसे चाहिए आपको। कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है महेंद्र जी, हमें सब पता है, हमें पता है कि आपकी परेशानी क्या है, हम आपको इस दलदल से निकाल सकते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त? लेकिन शर्त यह है महेंद्र जी कि आपको कहना को मनाना पड़ेगा हमसे शादी करने के लिए। गहना को मना लीजिए, जितना पैसा चाहिए भर दीजिए चेकबुक में, हम साइन कर देंगे। ये सांप दुनिया का सबसे जहरीला सांप है, और एक बार इसने उस गौरव को काट लिया तो इतना तड़प तड़प के मरेगा कि इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक वो मेरे आसपास भी नहीं भटकेगा। जैसे ही गौरव ये दरवाजा खोलेगा ये जहरीला सांप उसे डस लेगा और गौरव का खेला खत्म। लेकिन भाभी आप एक बात का ध्यान देना कि उर्वशी दीदी इस रूम में ना लेना। वैसे सच कहें तो हमें तो ये लगता है कि उस सांप ने ना गौरव के साथ साथ उर्वशी को भी डस लेना चाहिए। एक तीर से 2 निशाने, गौरव के साथ साथ उर्वशी भी निपट जाएगी। We'll be right back.
कहना बिटिया, वंश तुमसे शादी करना चाहता है, उसका ये प्रस्ताव स्वीकार कर लो। वंश ही वो आदमी है जो हमारे हमारे घर को बचा सकता है। अगर वो चाहेगा तो हमारे परिवार के सिर पर छत रहेगी, लेकिन उसकी एक शर्त है, वो चेक पर तभी साइन करेगा जब तुम उससे शादी के लिए राजी होगी। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, वंश से शादी करने के लिए हाँ बोल दो। इस अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।